So, health health so, ट इस तरह से है कि आपके जिंदगी में days, हो सकता है अगले सात दिन किस तरह से आपका जाएगा सो ऑफकोर्स इट it is इट इज prediction प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल देखो आज हम जो करेंगे वो है पहली तो है हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रहा है आपका current circumstances क्या चल रहे हैं और फिर हम देखेंगे कि अगले सात दिन क्या हो सकता है ना ये कभी भी आप देख सकते हो और राइट टाइमलेस है सो so, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो किस प्रकार है यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट सिचुएशन जो है वर्तमान हालात जो है वो किस प्रकार है यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें वी डू हैव द बिटवीन द वर्ल्ड्स ठीक है ऑलराइट we do have co-create hmm. we do have buy the book we do have clean it up we do have soul mates bottom of the deck i'm round and round oh wala hoga ringa ringa roses utara se मुझे यहाँ पे इस तरह से पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि आपको कोई ना कोई जो है आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है आपके कोई भी रिश्तेदार हो सकता है शत्रु हो सकता है जो दोस्त के भेस में है कहीं ना कहीं पे वो आपको ना कुछ बोल कुछ और रहे हैं मीन कुछ और कर रहे हैं ठीक है आपको हो सकता है कि हंसते हंसते टॉन्ट मार रहे हैं पीछे कुछ बोल रहे हैं आपके खिलाफ ताकि सब लोग भड़क जाए आपके अगेंस्ट में और इसलिए शायद रिसेंटली आपने अगर किसी को भी अप्रोच किया होगा तो शायद आपको किसी ने भी सहायता नहीं किया होगा या पूरी तरह से कोऑपरेशन आपको नहीं मिला मे बी एट योर ऑफिस मे बी एट योर वर्क प्लेस लाइक दिस और मे बी एट योर फैमिली मे बी इट इज लाइक दिस और आप दुविधा में हैं क्या आप प्रेजेंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं पे चैलेंजिंग और टफ सिचुएशंस का मुकाबला करेंगे या उस जंग के मैदान को छोड़ के चले जाएंगे ताकि आप दूसरे जगह पे आप शिफ्ट हो जाए यहां पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कुछ लोग ने शायद रिसेंटली ऐसा हुआ होगा कि आप ना कहीं ना कहीं पे कोई और जगह पे ऑलरेडी सेटल हो और आपको ऐसा लग रहा है उस जगह पे भी कहीं ना कहीं पे टॉक्सिक एनवाट ऑलरेडी है बट आप क्या करेंगे आप उस जगह पे, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आप उस जगह पे सेटल होने की कोशिश कर रहे हो यू आर ट्राइंग टू एडजस्ट विद पीपल हुए बिकॉज आप पीछे मुड़कर और नहीं देख पाएंगे आपको ऐसा लग रहा है अगर मैं पीछे मुड़कर देखूँ तो वही दुनिया मुझे नहीं चाहिए एटलीस्ट मैं नई जो है दुनिया में कि कहीं ना कहीं पे, मैं कोशिश करूँगा मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ पे मैं एडजस्ट हो जाऊँ कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो यू आर मिसिंग योर पार्टनर और लाइक यू नो यू हैड बिन मैरिड लॉन्ग टाइम बैक सो यू वांट टू स्टार्ट अ फैमिली आपका ऐसा लग रहा है कि बच्चा चाहिए आपको बहुत साल हो गया कि शादी हो गया इस तरह से है कुछ लोगों के लिए यू आर यू आर जस्ट सर्चिंग ऑल्सो फॉर अ सोलमेट फॉर अ ट्रस्टेड पार्टनर आपको बिजनेस में भी पार्टनर चाहिए हुँ? आप जानते हैं कि रूल्स रेगुलेशन का दायरे में रख के काम किया जा सकता है ठीक है बाहर नहीं जाना चाहिए इवन आपने ऐसा भी सोचा कि अगर आप फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन आप सोच ही रहे हो ऐसा कि फ्यूचर में अगर आप कोई भी संस्था आप खोलेंगे तो वहाँ पे भी लोग ए टू जेड रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक यू वांट टू गो फॉर अ टूर फॉर हॉलीडे पैकेज बट आपको ऐसा लग रहा है काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो जाएगा बाद में प्लान कर लेते हैं लेकिन कब करें समय नहीं होता है उस तरह से यू वांट टू हैव अ फ्रेश वीकेंड बट हर वीकेंड में ही कुछ ना कुछ जिम्मेदारी आ जाता है ठीक है आपको टाइम में नहीं मिलता या कनेक्ट नहीं कर पाते हो आप अपने फ्रेंड्स के साथ वो लोग भी कहीं ना कहीं पर पार्टी मना रहे होते हैं इन्जॉय कर रहे होते हैं आप में भी सिंगल है इस वक्त उस तरह से मुझे दिख रहा है ऑल राइट मे बी आपके जो है कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो आपके दिल की काफ़ी करीब है शायद आप नहीं मानेंगे इस बार मे बी वो भी आपको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं मतलब लाइक यू नो दे आर नॉट गिविंग यू कमिटमेंट आज ये कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं परसों कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं लेट मी सी विद इन द नेक्स्ट सेवन डेज क्या होने वाला है आप काफी कैपेबल है आप काफी स्ट्रांग हैं काफी हिम्मत वाले हैं जो आप करके दिखाएंगे ही सो विद इन द नेक्स्ट सेवन डेज वट इज श्योरली अराइविंग इन योर लाइफ वट इज श्योरली अराइविंग इन योर लाइफ फाइव ऑफ वर्ड्स यस वी डू हैव द विल ऑफ फॉर्चून ओके यहाँ पे है हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटेगल्स ओके वी डू हैव एस ऑफ स्वर्ड्स हमारे पास है थ्री ऑफ कप्स बॉटम ऑन द डेक हमारे पास है पेज ऑफ कप्स वाओ सो सिनेरियो काफी ज्यादा चेंज होने वाला है कॉन्ग्रेचुलेशन आई कैन सी लाइक दिस एक्वेरियस जमनाई एंड लीब्रा कोमिथोनॉ तुला राशि यहाँ पे है लियोटोरस एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है एक्वेर जमनाई लीब्रा कैंसर पैश स्कॉर्पियो वंस मोर सो थ्री फोर टेन फाइव थ्री फोर टेन एंड फाइव आर इम्पोर्टेंट नंबर्स ना मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है अगले सात दिनों में हो सकता है कि आप किसी को अपने प्रॉपर्टी या अपने घर दिखाओ मे भी आपको उसको रीसेल करना है या उसमें कुछ इंटीरियर्स आपको करवाने हैं मे भी आप उसको रेनोवेट करना चाहते हैं काफ़ी पुराना हो चुका है या आपको कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी का एड्रेस मिल सकता है जहाँ पे सस्ते दामों पे आपको वो मिल जाएगा ठीक है आपको घर मिल जाएगा ई भी आपको कम ही पेमेंट करना पड़ेगा और डाउन पेमेंट भी कम ही होगा मे बी इट इज लाइक दिस मे बी यू वॉन्ट टू बाई लाइक दैट टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट हाउस मतलब आपको कुछ ऐसा अपार्टमेंट नहीं लेना है बट आपको इंडिपेंडेंट हाउस लेना है कुछ लोगों के लिए आपका कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे कहीं ना कहीं पे वो एक आपका पर्सनल रिलेशनशिप में कोई हो आप बात करेंगे क्लियरली एंड प्रिसाइसली मतलब वो भी आपके साथ जो भी वार्तालाप करेंगे उसमें स्पष्टता से आपको ज्ञान हो जाएगा अच्छा ये बात है तो ये इसका है रेट हो सकता है कि बिजनेस रिलेटेड हो कहीं ना कहीं पर प्रोडक्ट्स को लेके हो सर्विसेज को लेकर हो उनका कुछ उम्मीद हो क्लाइंट्स का कुछ उम्मीद हो आपसे आपका भी उनसे उम्मीद हो कि वो आपको पेमेंट कर दे टाइम पर उस तरह से सो टर्म्स एंड कंडीशन वो होगा दूसरा चीज़ है कि पार्टीज़ हो सकता है कि आप मनाएं विद इन द नेक्स्ट सेवन डेज मे बी योर ओल्ड फ्रेंड्स लाइक रीय रीयूनियन सॉरी ओके एंड रीयूनाइट ओके लाइक हो सकता है कि वो रीयूनियन नाइट आप लोग सेलिब्रेट करें उस तरह से मुझे दिख रहा है मे बी ऑन द वीकेंड्स उस तरह से दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पास कुछ अवार्ड भी आ सकता है एप्रिसिएशन लेटर आ सकता है लाइक like आपके बॉस आपसे काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हो सकते हैं कि आपके परफॉर्मेंस से या आप जो भी परफॉर्मेंस दोगे वहाँ पे या आप कोई स्क्रीनिंग या टेस्टिंग के लिए गए तो वहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा ट्रांसपेरेंट होगा आप खुद ही समझ जाएंगे कि वहाँ पे कुछ अलग सा नहीं चल रहा है कोई नेपोटिज्म वहां पे नहीं है कोई बायसनेस नहीं है अगर आप सिलेक्ट हुए सो यू विल बी रियली आई फाइंड लाइक दैट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है वहाँ पे हो जाए कुछ लोगों के लिए मे बी विल ट्राई फॉर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बात पैसे को लेके थोड़ा बहुत अटक सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोग आपको ऐसा लोग बोलेंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा किस्मत वाले हों इसलिए आपको ऐसा कुछ मिल रहा है हमें तो नहीं मिलता है सो यू शुड जस्ट टेक प्रिकॉशन की आपको कुछ इविलाइज की जो है वो ना लग जाए यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे चीज़ों में ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट को खड़ा किया फिर आपको उस प्रोजेक्ट को डिसमेंटल करना पड़ा मतलब आपको ब्रेक डाउन करना पड़ा क्यों क्योंकि किसी ने सपोर्ट नहीं किया यहाँ पे कंपटीशन यू कैन से राइवलरीज ये सब आ सकता है इन द नेक्स्ट सेवन डेज बट एट एनी कॉस्ट आप ये जरूर ध्यान देना कि अगर आपने फिर से उसको ब्रेक कर दिया तो शायद नेक्स्ट टाइम आपके लिए किस्मत साथ नहीं देगा क्योंकि आप बार बार उसको फेलियर नहीं करवा सकते ठीक है उसको आपको सक्सेस करना ही पड़ेगा अदरवाइज क्या होगा मे बी द अपॉर्चुनिटी विल नॉट बी इन योर हैंड्स अगर आप ठुकरा देते हो ऑफर को तो अपॉर्चुनिटी मैं तो अभी से बोल देती हूँ अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आएगा अगर कोई भी मौका आ रहा है सपोज आई डो थिंक सो दैट मैनी ऑफ यू हैव लेफ्ट द जॉब इधर तो आपने क्विट कर दिया था पिछले जॉब में अब अभी uh, जॉब ढूंढ रहे हैं यू आर सर्चिंग आ जॉब यू आर वन टू यू कैन से स्टार्ट योर ओन ड्रीम फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन लेकिन अगर आपके पास ऑफर्स आ रहे हैं एंड देन ऑल्सो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग सो इट डज़ मीन दैट है इसका मतलब यही होता है कि आप रेडी नहीं हों अगर कुछ चीज़ों में आपको दुविधा है इसका मतलब ये है कि वो चीज़ या वो रास्ता या वो डायरेक्शन या वो इंसान आपके लिए बिल्कुल नहीं है एक रोमांटिक एक सीक्रेट लव रिलेशनशिप ऑफ़र आपके पास आ सकता है एंड प्लेंटी मैसेजेस हो सकता है काफ़ी ज़्यादा बातचीत रात भर कंटिन्यू कर सकता है बहुत सारे लाइक यू नो लाइक वेरी नॉट जोक्स और समथिंग लाइक दैट इट कैन हैपन हार्ड टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा दिल से दिल का जो है वो हो सकता है अचानक आपको किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ढेर सारा प्यार आ सकता है क्रश हो सकता है कोई आपका उस तरह से सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है